ये इसका क्या कहते हैं आप वैसे, शीरमाल? नहीं नहीं, हाँ शीरा शपी, शीरा शपी, शीरा शपिक, ओके शीर शपिक, बहुत ही मजेदार है ये, देखें यार ये। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ बिलाल आज़म और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। और आज मेरा लोअर चित्राल के अंदर लास्ट डे है और मैं लोअर चित्राल को कवर करके निकल रहा हूँ। आई होप आप मेरी सीरीज़ पीछे से देखते आ रहे हैं, सारे के सारे जो मैंने लोअर चित्राल का रीजन कवर किया और पिछली 6-7 एपिसोड्स में आई थिंक मैंने दिखाया, स्पेशली पिछले एपिसोड में जो मैं आखिरी विलेज तक गया चित्राल के, जहाँ से हमें बिल्कुल सामने अब ताजिकिस्तान के पहाड़ नज़र आते हैं और सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी के ऊपर आपका ताजिकिस्तान शुरू हो जाता है। लेकिन खैर मैं पहुंच गया था रात को वापस चित्राल और चित्राल से अब मुझे निकलना है, लोअर चित्राल से अब मुझे निकलना है अपर चित्राल की तरफ। तो मैं अब यहाँ से चित्राल टाउन से निकलूँगा और यहाँ से फिर मैं जाऊँगा ऊपर बूनी की तरफ और बूनी से फिर हम जाएंगे आगे मस्तूज और फिर वहाँ पे कुछ वैलीज़ का क्लश मेडोज़ भी हैं वो भी देखेंगे और उसके बाद शंदूर तक हम पहुँचेंगे और शंदूर पर हमारा चित्राल डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा ख़त्म। और उसके बाद हम जब कंटिन्यू करेंगे वहाँ से हमारी स्टार्ट हो जाएगी गिलगित की सीरीज़। तो पैकिंग चेकिंग हो गई है सारी, बाइक अभी गर्म हो रही है, ऊपर टैंक बैग लग गया है, इधर पीछे एक ये बैग है जिसमें सारा कैंपिंग का कपड़ों शपड़ों का सामान है, इसमें मेरा लैपटॉप और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स चार्जर शार्जर ये सामान होता है, इसको हम अपना रेन कवर से कवर करते हैं और फिर निकलते हैं अपने सफ़र की तरफ। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी सख़्ख़रा लना सबा मकरीन इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून। निकल पड़े हैं जनाब आज के हम सफ़र में, लोअर चित्राल हुआ कंप्लीट और अपर चित्राल हो रहा स्टार्ट। अपर चित्राल में काफ़ी जगह हैं जो काफ़ी फेमस हैं लेकिन मैं उनको इस ट्रिप में कवर नहीं कर रहा बिकॉज वो मुझे सोलो ट्रिप में नहीं करनी, वो मुझे किसी न किसी ग्रुप के साथ करनी है। और उसमें है नंबर 1 तिरचमीट का बेस कैंप और नंबर 2 करम्बड़ लेक ब्रोगिल वैली के अंदर आती है। तो ये अभी मैं नहीं कर रहा, ना ब्रोगिल वैली कर रहा हूँ और ना ही मैं करम्बड़ लेक। तो इंशाल्लाह उसके लिए मैं दोबारा आऊँगा कभी ग्रुप के साथ, तो फिर ये करूँगा क्योंकि बिकॉज 3 दिन की ट्रैकिंग है करम्बड़ की और इसी तरह बाकी की चीज़ें हैं तिरचमीर की भी। तो फिलहाल जी तिरचमीर को हम करते हैं बाय बाय, सामने फिर हमें बड़ी लश्कारें मारती हुई नज़र आ रही है और हमेशा ये बर्फ़ से ढकी रहती है बिकॉज दिस इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ हिंदुकश माउंटेन रेंज। और ये था वो रोड जहाँ पे हम कल गए थे गर्म चश्मा और जो लास्ट इसका विलेज था गोबोर, और आज हम होने लगे हैं जनाब मैप के ऊपर अगर आप देखें राइट साइड के ऊपर, और ये अब रोड हमें लेकर जाएगी टुवर्ड्स अपर चित्राल। तो यहाँ पे बूनी मस्तूज और शंदूर, तो बूनी ये देखें जी ये बोर्ड लगा हुआ है, बूनी है यहाँ से 75 किलोमीटर, मस्तूज है 100 किलोमीटर और शंदूर है 147। तो मस्तूज आखिरी टाउन है यहाँ का और शंदूर जो है वो जहाँ पे पोलो फेस्टिवल भी होता है हाईएस्ट पास है यहाँ का, और वो गिलगित बेसिकली गिलगित के अंदर आता है लेकिन इसको गिलगित और चित्राल का बॉर्डर भी कहते हैं। तो जी आज हम अब दरिया के दूसरी तरफ आ गए, कल हम दरिया के उस तरफ चला रहे थे और देखते हैं जी इधर हमें देखने को क्या मिलता है बिकॉज़ ये शंदूर पास है और पता है आपको कि जब भी पास का वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि एक चढ़ाई चढ़ेंगे आप और थोड़ी फ्लैट जगह आएगी और फिर दोबारा नीचे उतरेंगे। तो शंदूर पोलो ग्राउंड को शंदूर पास भी कहते हैं। तो अब ये सारे माउंटेन्स आपको नज़र आ रहे हैं सामने, काफ़ी वो धूप की वजह से ना गहर गहर है लेकिन हवा आज भी ठंडी है इधर। एनीवेज़ तो हम लोग अब जा रहे हैं, चढ़ाई चढ़ेंगे इस दफ़ा आज के दिन में सारी टूवर्ड्स बूनी एंड मस्तूज। स्लो स्लो मैंने जाना है क्योंकि मैंने रशून टाइम दिया हुआ है बंदे को 11:30 बजे, जिन्होंने हमारा उधर कोई कह रहे थे खाना अपने हमारे साथ खाना है और कारी वाब साहब भी कह रहे थे मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो लेट्स सी आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, नज़ारे देखते हैं और चित्राल का अपर चित्राल उसको आज एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा भाई चित्राल वालों ये क्या सीन है भाई, ये तो अभी मैं शंदूर रोड पे ढला ही हूँ तो रोड इधर थोड़ी सी चिकना चूर हो गई है। क्या सीन है कि क्या ये सिर्फ यही पैच ऐसा है या आगे थ्रू आउट हमने ऐसे ही चलना है? लेट्स सी, चढ़ाई तो काफ़ी हुई है ऐसे जैसे
इसको वाइट किया गया कंस्ट्रक्शन के लिए और ये बड़ी होने वाली है। ये तो बड़े ज़बरदस्त पहाड़ आ गए और रोड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि अच्छी होगी, जितने भी पासिस होते हैं उनकी बड़ी रफ़ ही होती है, ये छोटे छोटे पैच अच्छे आ जाते हैं, लेकिन जितने भी पासिस होते हैं उनकी रोड ऐसी होती है, स्पेशली माउंटेन एरिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, बाकी दुनिया में नहीं। तो भाई ये सारा पास जो है ना सारा रफ़ एंड टफ है, तो इसलिए हम बहुत स्लो जाएंगे और जल्दी भी नहीं है। हाल तो अगर मैं तेज़ चलाऊँ तो मैं 10 बजे तक पहुँच जाऊँगा, लेकिन हमें कहा गया कि आपने 11:30 पहुँचना है। चलो कोई नहीं, हम पहुँच के उधर रेस्ट भी कर लेंगे अगर जल्दी। छोटे छोटे गांव आ रहे हैं रास्ते में और स्लोली हम बढ़ रहे हैं, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा स्लोप्स और इंक्लिनेशन आ रही है, लेकिन रोड फुल पत्थरों से भरी हुई है, तो आपने बेस्ट पाथ खुद ही चूज़ करना है देखते हुए कि किस पत्थर के आपने इधर से गुजारनी है और किस पत्थर के आपने इधर से गुजारनी है। ये भी एक एडवेंचर ही होता है यार पूरा। लो जी, इधर जितने भी हमारे पहाड़ी इलाके हैं, चित्राल भी और गिलगित वगैरह भी, क्रिकेट इधर मुझे वैसे बहुत कम नज़र आई थी और आज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। थोड़े सब बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन मज़े की बात है ग्राउंड ये भी फुटबॉल की है, फुटबॉल खेलते हैं या इधर लोग पोलो शोलो खेलते हैं, ये कुछ बच्चे नज़र आ रहे हैं मुझे क्रिकेट खेलते हुए यहाँ पर। ओके, व्हाट अ ब्यूटीफुल आबशार यार, ये तो बिल्कुल अम्ब्रेला वाटरफॉल की तरह छनकती हुई मोतियों की तरह पानी नीचे आ रहा है, और इसको कहते हैं जी गोलन वैली और गोलन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, यहाँ पे डैम भी बना हुआ है, तो उधर चलते हैं यार। ये आबशार आपको दिखाता हूँ, क्या खूबसूरत आबशार है, जस्ट सिमिलर टू अम्ब्रेला वाटरफॉल। यार मेरा ड्रोन जो है ना वो थोड़ा हो गया ख़राब और मैं अब रिस्क नहीं लेना चाह रहा कि उसको मैं अराऊँ, वरना इसकी मैं ड्रोन से वीडियो बनाता तो क्या कमाल वीडियो आती। ओ माई गॉड, यहाँ से अब रुक के ज़रा इसको हम विज़िट करते हैं। यहाँ से गोलन है जी 4 किलोमीटर और बब्बू का गोलन पावर प्रोजेक्ट है यहाँ से 6 किलोमीटर इस तरफ ऊपर लगा हुआ है। लुक एट दिस ब्यूटी, ओ माई गॉश, क्या खूबसूरत छनता हुआ पानी आ रहा है यार। ये डैम काफ़ी मशहूर है और इसका नाम गोलन गोल है, गोलन गांव का नाम है, और गोल चित्राली जबान में गोल को कहते हैं वाटर स्ट्रीम, यानी जो भी जो आबशार के बाद जो नीचे पानी बह रहा होता है नदी को गोल कहते हैं। देखें कैसे एक ज़बान से दूसरी ज़बान के अंदर लफ्ज़ के मतलब ही चेंज हो जाते हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ ऊपर डैम देखने, अगर हो सकता है अच्छा हमें व्यू उसका मिल जाए, उसका जो स्पेशली वाटर कलेक्शन जहाँ पे हुई होगी जो उसका रिजर्वायर होगा, हो सकता है वो अच्छा हो, देखने के काबिल हो। ओह वाह, अच्छा क्योंकि ऊपर डैम है तो कंट्रोल्ड ही वाटर आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा करके, और बहुत ही खूबसूरत। ओ माई गॉड, वाओ, व्हाट अ ब्यूटी, जैसे ही जो छाँव आती है ना, एक तरफ तिरछा पहाड़ बिल्कुल दीवार बनी हुई है इस पहाड़ की। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत रास्ते और बहुत ही खूबसूरत वैलीज, और मकसद ये नहीं है कि जी कोई मैं डैम देख लूँगा तो पता नहीं मेरी कितनी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, हमें पता कैसा होता है वाटर रिजर्वायर और कैसा होता है, खूबसूरती अपनी जगह, लेकिन असल मकसद ये है कि उन हिडन वैलीज़ की तरफ मैं निकलूँ जो बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं देखी होती है, और नए रास्ते देखूँ, चप्पा चप्पा देखूँ मैं,
चित्राल का भी और पाकिस्तान का भी, और लोगों को भी उससे इंट्रोड्यूस करवाऊँ। और स्पेशली भाई बाइकर्स बॉयज़, ये राइड आपके करने वाली है भाई, मज़ेदार है। ग्रुप्स में करो ना, वैसे मज़ा आएगा आपको। ये देखें बड़ी ही प्यारी रोड है, अच्छा किया मैंने आ गया ऊपर। कंफ्यूज था पहले मैं नीचे खड़ा हुआ। ब्यूटीफुल यार, ऐसी रोड सारी मिल जाए ना उधर भी, हमें शंदूर पास जाते हुए भी, ओवरऑल भी कई जगहों के ऊपर, तो मज़ा आ जाए। बहुत ही ह्यूज माउंटेन्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल वैली। ये करना चाहिए भाई, ये आपको अपने शंदूर पास के ट्रिप के अंदर, स्पेशली चित्राल जब आओ तो ये गोमल गोल डैम, इसकी जो राइड है ये करने वाली है। अभी ऐसा करते हैं कि जो नीचे आने वाला सफ़र होगा ना इसका, वापसी का, वो आपको दिखाता हूँ। अभी बस सीधा ऊपर पहुँचता हूँ और नीचे जब आऊँगा ना, तब नीचे से आपको पूरी की पूरी वैली नज़र आएगी, जिससे मैं काफ़ी हाइट गेन करता हुआ ऊपर आ गया। और मुझे पता है कि शॉट्स बड़े ज़बरदस्त आएंगे ऊपर से जब मैं नीचे आ रहा हूँ। व्हाट अ ह्यूज माउंटेन इन फ्रंट ऑफ मी यार, ओहो, दियो लग रहा है, दियो बिल्कुल दीवार की तरह मेरे सामने रास्ता रोक के ऐसे खड़ा हुआ है। अब नीचे जा रहा हूँ मैं, यहाँ से थोड़ा सा कच्चा रास्ता अब शुरू हो रहा है। ट्राउट फिश फार्म भी है जी आगे 1 किलोमीटर, और ये है गोलन गोल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अस्सलाम वालेकुम, ये आ गया जी पावर प्रोजेक्ट। इसका वो पानी कहाँ पे है, आगे है? आगे, अच्छा जी आगे चलते हैं। लो जी इधर देखते हैं, यहाँ पे है जी ये, मुझे तो लगता है अभी वर्किंग कंडीशन में तो नहीं आया, अभी इस पर तो काम चल रहा है, इसने भी बिजली प्रोड्यूस करना शुरू नहीं की, लेकिन मुझे हतमी मराहिल में लग रहा है। ओके, सो ये है जी वाटर प्रोजेक्ट। अस्सलाम वालेकुम, ये भी डैम अभी कंस्ट्रक्शन में है या अभी कब इसने स्टार्ट होना है? अच्छा ये स्टार्ट हो गया था, तो अभी क्या लैंडस्लाइडिंग हुई है, उससे मसला हुआ है? तो इसका पानी का कहाँ पे होता था कलेक्शन, ये थी सारी? अच्छा इधर भी, इसके अंदर भी है पानी सारा, तो अभी ये लैंडस्लाइडिंग की वजह से सारा इसका पानी ख़राब हो गया है? सही है, अभी कुछ नहीं आ तो रहा है, अभी तो बिजली बन रही है अभी। कितने मेगावाट है? 32 मेगावाट। ओके जी, तो बस बहुत बड़ा डैम नहीं है, सिर्फ 18 मेगावाट का ये डैम था, उसका रिजर्वायर था इसका, ये जितना भी आपको सीमेंट का नज़र आ रहा है ये सारा का सारा रिजर्वायर है पानी का। पीछे से आप शरारती है तो ये बता रहे हैं 2-3 दफ़ा डैमेज हो गया, बड़ी बुरी जो है लैंडस्लाइडिंग हुई है, और ये जो पिछले सैलाब के अंदर भी इसको काफ़ी नुकसान पहुंचा, लेकिन फ़िलहाल बिजली बन रही है। तो प्रोसेस यही है कि ये सारा पानी, ये देखें यहाँ से इधर से जा रहा है, रिजर्वायर ही है पानी इकट्ठा हुआ हुआ है। और फिर इन्होंने किया क्या हुआ है कि आगे इन्होंने मुझे बताया कि एक सुरंग है, जिस सुरंग के अंदर से पानी जा रहा है, और जहाँ से हम बिल्कुल नीचे आए हैं, नीचे से आए हैं वहाँ पे बेसिकली जा रहा है। ये यहाँ पे है जी इसकी पानी की सुरंग, इसके अंदर ये देखें थोड़ा सा आपको सीमेंट शीमेंट नज़र आ रहा है ना, ये पानी इसका अंदर जा रहा है, और फिर पहाड़ के अंदर अंदर से ही एक इन्होंने टनल बनाई हुई है, और फिर अल्टीमेटली फुल नीचे जहाँ से हम ऊपर आए हैं वहाँ पर इनके अंदर टर्बाइन से लगी हुई हैं और बिजली वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। सो ऑलमोस्ट कह रहे हैं ये 15 साल पुराना इनका डैम है। जितनी ज़बरदस्त चढ़ाई थी उतनी ही ज़बरदस्त अब उतराई है, और यहाँ से अब आप व्यूज़ चेक करें यार, ये पहाड़ों से ऊपर चढ़ के आए हैं मैं। वाह, ये देखें माउंटेन्स, वो दरमियान में, इन माउंटेन्स के दरमियान में से गुज़र के हमारी रोड ने निकलना है। अभी मज़ीद कर्व लेते हुए मैं नीचे आ रहा हूँ, सही ब्राउनिश माउंटेन्स हैं, सब्ज़ा इन पे भी ना होने के बराबर ही है।
ओके सो बैक टू द शंदूर पास रोड, और क्योंकि इधर हम गांव के पास से गुजरे हैं तो रोड अच्छी चल रही है अभी तक यहाँ पर भी। हमने जैसे मैंने बताया था स्टॉप करना है बूनी से भी कोई 20 किलोमीटर पहले रेशों के मुकाम के ऊपर, जहाँ पे एक हमारे जो होस्ट हैं उन्होंने मुझे स्पेशल इनवाइट किया है खाने के लिए, तो हम वहाँ पर जा रहे हैं और साथ शायद कारी वहाब साहब भी हमारे पहुँच जाए यहाँ पर। अभी तक अच्छी चीज़ एक ये है कि रोड ठीक है, नहीं बना हुआ और काफ़ी मिट्टी वाला और पत्थर वाला है, लेकिन आप ये देखें कि वाइड कितना है। जहाँ पे भी रोड ख़राब होती है ना वो आपको काफ़ी वाइड नज़र आता है, इसका मतलब है कि इस रोड ने बन जाना है और वो जाना चाहिए हमने भी वहाँ पर। रोड जैसी मर्जी आती जाए ख़राब, लेकिन ख़ूबसूरत गाँव हमारे साथ आते जा रहे हैं, खूबसूरत विलेजेस बल्कि पूरी पूरी वैलीज़ हैं। अगर आप ये देखें ये एक और ही बड़ी खूबसूरत वैली मुझे नज़र आ रही है, बिल्कुल ऐसे जैसे काट के जो है ना प्लेट के अंदर रखा हुआ पहाड़। ये चेक करें वो नीचे दरिया गुजरा, ये दीवार खड़ी है बिल्कुल जैसे किला नहीं होता और किले के वो जो दरे बने होते हैं छोटे छोटे जहाँ के ऊपर खड़े होते हैं उनके मुहाफ़िज, उस तरह ही उसके बेस्टन बने हुए हैं। और ये खूबसूरत वो यहाँ से लेके वो पट्टी पूरी की पूरी जो है वो ये गांव है। इसी तरह की सारी वैलीज़ आती जाती हैं। यार ये वैली वाकई बहुत खूबसूरत है, मैं एक दफ़ा फिर आगे आने के बाद ब्रेक लगाई है, पहले मैं वहाँ पे पीछे खड़ा हुआ था लेकिन जैसे जैसे करीब आ रहा हूँ बहुत ही खूबसूरत लग रही है यार, व्हाट अ ब्यूटी। और मज़े की बात आपको बताऊँ कि यही जब आप आएंगे अक्टूबर नवंबर के अंदर तो आपको फुल येलो कलर की अंदर ये पूरी की पूरी मिलेगी वैली, क्योंकि बहुत प्यारी वैली है यार, मेरी नज़र नहीं हट रही इससे। ओहो हो हो और सामने माउंटेन्स रेंज दे, ओहो हो बहुत बड़ी वैली है भाई, तो चलती जा रही है, वाओ। ओए होए तो बहुत ही पुराना ब्रिज है, तो वाह वाह वाह। एक मिनट के लिए आप लोग ज़रा खुदा की कुदरत देखें, और इस टाइम 5 से 6 पहाड़ मुझे नज़र आ रहे हैं और सबके डिफरेंट कलर हैं। सबसे पहले ये देखें इसके ऊपर हल्का हल्का सब्ज़ा है, ये वाला आप देखेंगे तो आपको रेडिश रेडिश नज़र आएगा और दरमियान में इसके ब्लैकिश कुछ शेड्स आ रहे हैं, कुछ शायद इसमें आयरन है। और वो सामने आप देखेंगे तो उधर ग्रीनरी भी नज़र आ रही है, एक छोटा सा विलेज वहाँ पर है और वो ब्राउनिश माउंटेन है, और सबसे पीछे बर्फ़ पड़ी हुई है तो वो वाइट कलर का माउंटेन है, सुभान अल्लाह। और मेरे नीचे एक और छोटा सा विलेज आ गया यार, छुप छुप के कभी वैली के इस तरफ पहाड़ों के इस तरफ बनी होती है कोई एक छोटी सी वैली, और कभी एकदम ऊपर स्लाइड जो होती है माउंटेन की वहाँ पे बनी होती है। अब एक और वहाँ पे देखें हमें वो सामने एक और नज़र आ रहा है गाँव। ओके जी 11:30 हो गए हैं ऑलमोस्ट, और अब मेरी जो डेस्टिनेशन है वो आने लगी है, दैट इज़ रेशून, और मुझे आई थिंक कॉल भी आ गई है, वो मेरे ख्याल है वो सामने है रेशू। ले जी एंटर हो गए हम रेशन खूबसूरत गांव में, बहुत ही प्यारी रोड आ गई और बड़ा ही अच्छा डेवलप्ड गांव है ये वाला भी। यहाँ पे टेलीनॉर के सिग्नल जी हर जगह है जी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा मोबाइल चल रहा है, पॉडकास्ट लगी हुई है कान में और बड़ा ज़बरदस्त सीन जो है वो देखने को भी मिल रहा है, और कनेक्टिविटी जो है वो 4G चल रहा है जी थ्रू आउट अभी तक, देखते हैं आगे। ओए हाँ ओके जी यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, मैं आपका नाम भूल गया, हमीदुल्ला जी, हमीदुल्ला भाई हमें लेके आए हैं अपने साथ यहाँ पे, हैं बिलाल, हाँ जी मेरा नाम बिलाल है, हमीदुल्ला भाई के घर आ रहे हैं हम यहाँ पर, यहाँ पर लगा दूँ, ठीक है चलें जी। तो बस कारी वहाब साहब भी आ रहे हैं पीछे पीछे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ बड़ा है ज़बरदस्त, चित्राल बहुत पसंद आया, सुकून है हाँ, और सिक्योरिटी सेफ्टी बहुत बहुत ज़बरदस्त है। तो ये देखें जी हम रेशून गांव के अंदर अब
रेशुन कहते हैं या रेशन कहते हैं? रेशुन, UN, ठीक है ठीक है। उर्दू में पढ़ा तो मैंने कहा रेशन है, लेकिन इंग्लिश में रेशुन है। ये जी हम गांव रेशुन गांव के अंदर आ रहे हैं, बड़ा ही खूबसूरत बना हुआ, और नीचे से तो इतना प्यारा लग रहा था ना, पहाड़ के ऊपर ऐसे जैसे प्लेट पे पड़ा हुआ है थाल में। तो आ जाए आप आगे आ जाए। अच्छा ये ठीक है, आए जी अंदर चल रहे हैं हम। माशाल्लाह रात को सर्दी है इधर अभी आजकल। हाँ आगे होगी सर्दी, अभी शंदूर पे जब जाऊंगा। हाँ वो नहीं तक नहीं मस्तूज और सर है। अच्छा अच्छा ठीक है कोई मसला नहीं। ये जी ये घर है इनका, ये भी मेरी विश पूरी हो गई कि एक इधर चित्राल के गांव के अंदर हम अभी टाइम स्पेंड करेंगे, खाना शाना खाते हैं यहाँ पे, और बड़ा ही प्यारा रेशन गांव है। देखें जी कैसे होते हैं जी यहाँ पे विलेज लाइफ कैसी है, ये आज आप देखें। आ गए हम शंदूर के अंदर, रेशन शंदूर पास के ऊपर बने रेशन गांव के। माशाल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी, कैसे हैं जी, ठीक ठाक है? आपका गुड नेम, आपका नाम? मुजीर मोहम्मद जी, बिलाल आजम। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। चेरी है? अच्छा ये यहाँ की नेचुरल है, और ये नाशपाती है? अच्छा यहाँ से तोड़ी आपने, वाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये अभी सीजन स्टार्ट हो गया इसका? अच्छा 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 ये भी सारी यहाँ लगी हुई है। ये जनाब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें चेरी अभी फ्रेश इन्होंने तोड़ के मुझे खिलाई है, और ये देखें जी ये लगी हुई है सारी, ये सारी यहाँ पे नाशपाती लगी हुई है, ये भी फ्रेश उतारी है, और ये अंजीर का है। अच्छा अंजीर का बड़ा छोटा है वैसे, बड़ा काफ़ी बड़ा होता है हमारे उधर। ये देखें जी हम खेतों में जा रहे हैं इनके, बिल्कुल हमारे दोनों तरफ जो है वो गंदम की फसल लगी हुई है, और ये मुझे वो दिखा रहे हैं कि दरिया इनका कितना करीब है और कितना डेंजरस है, और खुदा ना खास्ता कहते हैं कि एक ग्लेशियर भी बड़ा आया और पानी के बहाव की वजह से ये आधा गांव ही अपने साथ ले जाएगा। ये देखें जी ये रिवर आ रहा है पीछे से, बर्फ़ पिघल के आ रही है, और अगर कभी ये दरिया वो जो आपको दरख्त नज़र नहीं आ रहा यहाँ से बह रहा था, ओके ये ज़मीनें वहाँ तक थी, ये ज़मीनें वहाँ तक थी, यहाँ से तकरीबन 18 घराने जो हैं वो यहाँ से माइग्रेट करके चले। ओहो तो ये इसी हाइट के ऊपर था वहाँ पे भी ये ज़मीन, बिल्कुल ओह माय गॉड, ये इस तरह की ज़मीन थी, ये सिर्फ 2 सालों के अंदर हुआ है। ये जैसे जैसे पीछे सैलाब आया है ये सारा का सारा कट के पानी में चला गया। 2010 से जो मौसमी तब्दीली है ना जी, उसने इस एरिया को अपने लपेट में लिया हुआ है, तो ऊपर से भी जो ग्लाफ इवेंट होते हैं, जो सैलाब आते हैं, वो दरिया यरखून जो है वो अब देखें कि ये यरखून रिवर है ना, यरखून ये यरखून रिवर, यरखून रिवर है। और ये जी हमीद भाई का मेहमान खाना है, और हमारे करीब आप साहब भी जो हैं यहाँ पे आ गए, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने थ्रू आउट द ट्रिप में, हर जगह पे जहाँ पे भी मैं जाता हूँ करीब साहब का जो बंदा है वो आगे कहीं ना कहीं पे मेरा इंतज़ार कर रहा होता है, और आज भी जो है आपकी दोस्ती हैं मिदिला भाई, हाँ तो यहीं पे मैं इनके घर आया हूँ, और इसके बाद हमने आज शाम को इंशाल्लाह पहुँचना है मस्तूज तक। ये जी हमीदुल्ला भाई ने हमारे लिए बहुत बड़ा दस्तरखान लगा दिया, और मैं आपको क्या क्या बताऊँ, सबसे पहले जो आपको चित्राल की हिस्ट्री में जो महतर का ज़माना होता था यहाँ पे, जो राजा थे यहाँ ये, उनके ज़माने का शीरमाल कहते हैं इसको, और ये दूध से बना हुआ है और साथ देसी घी से बना हुआ है, पराठा टाइप एक चीज़ है। ओहो और इसके अलावा जी ये क्या चीज़ है जी, सब्जी और गोश्त है, और इसके अलावा लोबिया, लोबिया और गोश्त है, और ये चिकन है, और ये एक जो चावल थे ये यहाँ के देसी चावल हैं, और अगर आप ये देखें तो छोटा और मोटा दाना है यहाँ का ये देसी है, और इसमें साथ जो है वो दाल डली हुई है, सही है, और इसके अलावा जो है ये इनके नान है। तो बहुत शुक्रिया मिजरा भाई, आपने बहुत तकल्लुफ़ किया।
मैं अब थोड़ा थोड़ा ही खाऊंगा सब कुछ ताकि चख सकूं। यहाँ पे जी मैं सबसे पहले तो ये शीर मार करूँ। अच्छा, ये दो रोटियों को जोड़ के और उसमें ये बीच में क्या? अच्छा, ये कुछ लगाया भी हुआ है, ये है ना, इसमें दूध लगा हुआ है, दूध और चीज भी है, चीज भी है, कोई मक्खन टाइप चीज भी है, मलाई है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो हो, तेल है जी। ये मैं पहली दफा यही खाऊंगा। बहुत मजेदार। ये इसको क्या कहते हैं आप वैसे? शीरमाल? हाँ, शीरा शापी। शीरा शापी, शीरा शापी, शीर कहते हैं दूध को, दूध शापिक कहते हैं रोटी शापिक। ओके, शीर शापिक, बहुत ही मजेदार है। ये देखें यार, दो रोटियां मिक्स और अंदर जो है मक्खन और चीज जो है ना वो लगी हुई है। आपको दूर पड़ गए ना ये चीजें, बस मैं दो चार दे दें। अच्छी जल्दी को यार, बोतल